केजरीवाल का बड़ा ऐलान, जब तक आपकी सरकार, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली में बस यात्रा रहेगी फ्री। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की तो बल्ले बल्ले है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐलान किया है कि जब तक आपकी सरकार है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की सभी बसों में यातायात मुफ्त रहेगा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को 350 नई इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाई है। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली देश की ईवी कैपिटल बन गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में देश का पहला और दुनिया में तीसरे नंबर का शहर है। आज दिल्ली में 350 नई इलेक्ट्रिक बसें आई हैं। दिल्ली में अब कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1650 हो गई है। आपने ट्वीट किया है कि 350 इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब ई बसेस की फ्लीट टोटल 1650 की है। भारत में दिल्ली में सबसे ज्यादा है, दुनिया में नंबर 3 पर है दिल्ली। दिल्ली की बसेस ने 47,000 टन CO2 को दिल्ली की हवा में जाने से रोका है। दिल्ली के बेड़े में 7,542 बसेस हैं। ये अपने आप में माइलस्टोन है। इतनी बसें दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं थी। सीएम अरविंद केजरीवाल का विजन है कि 80% बसों की फ्लीट इलेक्ट्रिक हो। बहुत स्पीड से हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 350 ई बसेस की सभी दिल्ली वासियों को बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दिल्ली की आप सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जब तक आपकी सरकार है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए दिल्ली सरकार की सभी बसों में यातायात मुफ्त रहेगा। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया। आज 350 बसों का बसें शुरू की गई हैं दिल्ली में, सड़क पर उतारी गई हैं लोगों की सुविधा के लिए। इसके साथ दिल्ली में अब 1650 बसेस हो गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली पूरे देश में पहले नंबर का शहर हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का शहर हो गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो जैसा अभी LG साहब ने बताया कि इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। पहले जब ब्लू लाइन बसेस होती थी, डीजल से पेट्रोल से चलती थी, फिर CNG बसेस आई और CNG के बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमारा एफर्ट है कि धीरे धीरे जो CNG बसेस हैं उनको फेज आउट करके, जैसे जैसे फेज आउट होंगी नई सारी अब इलेक्ट्रिक बसेस आया करेंगी। सर, जो DTC बसेस हैं उसमें सर महिलाओं के लिए फ्री है, अब थर्ड जेंडर के लिए फ्री कर दिया गया। सर, आम सभी नागरिकों के लिए फ्री कर दिया जाए ताकि वो निजी वाहन लाए ही ना। हम आपके इसके ऊपर गौर करेंगे।